हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है आज का टॉपिक हमारा बर्ड्स के टॉपिक पर है कि बर्ड्स को गर्मी से हम कैसे बचाएं, अगर बर्ड्स ने ब्रीड की हुई है तो उनके बच्चों को भी हम गर्मी से कैसे बचाएं, मरने से कैसे बचाएं, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है आगे बहुत ज़्यादा चांस है बर्ड्स के एक्सपायर होने के। तो हमें अपने बर्ड्स को बचाना है, उनको सेव करना है। मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। आप अपने बर्ड्स को हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं, बीमारियों से भी बचा सकते हैं, इवन अगर उन्हें किसी बर्ड ने ब्रीड की हुई है उनके बच्चों को भी हम मरने से बचा सकते हैं। पहले आप जो मिट्टी की कटोरी है जिसमें बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड देते हैं, वट एवर कोई भी है, चाहे वो मिट्टी की है या कोई स्टील का बर्तन है, जिसमें भी आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें उनको डेली वॉश करें। लेकिन मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा, गर्मियां आ चुकी हैं तो गर्मियों में आप अपने बर्ड्स को मिट्टी के बर्तनों में पानी दें क्योंकि वो ठंडा रहता है, और मिट्टी के बर्तन में ही उनको सॉफ्ट फूड दें और वो डेली वॉश किया करें। सेकेंड, आपने अपने बर्ड्स को डेली वेजिटेबल्स देनी है जिसमें कद्दू, खीरे, गाजर, ये चीज़ें उसके अंदर ऐड करें, और डिफरेंट उसमें फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें। जब तरबूज ऐसे आजकल आया हुआ है, वाटरमेलन जिसको कहते हैं, वो आप अपने बर्ड्स को दें, वो बहुत अच्छा है इनके लिए, इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इनके इलेक्ट्रोलाइट्स को वो पूरा करता है तरबूज। तो आप अपने बर्ड्स को इस तरह की डिफरेंट चीज़ें दें। मैंने आपको जैसे बताया मिट्टी का बर्तन फर्स्ट, सेकेंड इनको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दें, थर्ड आप अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स दें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी कंपनी का आप दे सकते हैं, और एस भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी दे सकते हैं, अच्छा इनको दें ताकि कि नमकियात कोई भी कमी वगैरह होती है उनको पूरा करें। और फोर्थ नंबर पर आप अपने बर्ड्स के लिए कूलर लगा के रखें ताकि कूलर लगाएं, इससे ना ठंडी हवा इनको मिलेगी, और जिस तरह हम इंसान अपने लिए हम एसी में सोते हैं, दूसरी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं, तो इसी तरह हम अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव बर्ड हैं तो अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, उनके लिए कूलर वगैरह का अरेंजमेंट रखें ताकि उनके बच्चे भी महफूज रहें और उनके अंडे भी महफूज रहें, ताकि उनको बच्चे जब अंडों से निकलते हैं, हैच होते हैं, तो वो मरे ना, क्योंकि कूलर चलेगा, वेजिटेबल्स वगैरह खाएंगे, अच्छी ठंडी चीज़ें खाएंगे तो बच्चे हर चीज़ सब महफूज रहेंगे। और 5 नंबर पे है उनको पुदीना लाजमी उसका इस्तेमाल करें, पुदीने जो मिंट जिसको हम कहते हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें अपने बर्ड्स को। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। अपनी दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।